यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। दिखा तो सुकू क्या पढ़ रही है तुम। कहाँ है, कहाँ दिखा। अरे तुली के, हाँ मेरा राजा बेटा तो पढ़ाई कर रही है। तो ये आप भी मंगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए मैजिक बुक। तो ये मैजिक बुक क्या है सुगु, थोड़ा बताओ तो इसके बारे में। हम तुमको बताने के लिए ना बोले। हाँ तो वैष्णव भी अपनी लैंग्वेज में बता दी मैजिक बुक क्या है। ये पेन है, इसके अंदर वाटर भरा जाता है ना सुगु। वाटर भरते हैं। और ये इसके अंदर क्या है सुगु, एक बार ना ना ना, ना मेरा राजा बेटा, देखो क्या है, देखो क्या है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि इसके पढ़ाई के टाइम पे इसको डिस्टर्ब किया जाए। बहुत ही पढ़ाकू बेटी मेरी निकली है, बहुत ही पढ़ाकू बेटी ना वैष्णवी। हाँ इतनी पढ़ाकू है ना कि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती है लड़की। एकदम पापा पे गई है, देख रहे पापा भी कितना पढ़ाई कर रहे हैं। सुगु अले छुगा, क्या पढ़ रही हो, थोड़ा हमको ही बताओ, बताओ हमको भी। तो इसके अंदर जो है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, कार्टून्स वगैरह, मतलब हमको बहुत सारे मिले हैं। हमने ये ऑनलाइन मंगाया था मैजिक बुक, क्योंकि तो चार चार आए हैं, एक वैष्णवी के पास है, दो ये हैं और एक ये है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मम्मा तो ऐसे ही करती रहती है सुबह। तो खोल के दिखाती हूँ ये एक्चुअली है क्या, पढ़ाई से नहीं भटकना है सुगु। तो एक ये देखिए, एक ये इस टाइप का है, एक इस टाइप का है। इसके ऊपर जो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, वो इसके अंदर भी है। दिखाओ सुगु एक बार सोना बेटा। तो देखिए आपको हल्की सी झलक दिख रही होगी, इसकी लाइट है बिल्कुल, जो छोटे बच्चों को उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब हम इसको पानी से इस पेन के थ्रू, ये पेन दिया है सब में, एक एक पेन दिया है, तो इसमें वाटर भरना है। वाटर भरने के बाद इसके ऊपर जब हम ऐसे ऐसे चलाएंगे ना, तो ये आपको सारे पिक्चर्स दिखेंगे। अभी हम आपको चला के भी दिखाते हैं। ओले चुका, हाँ हाँ चला के बता दो सुगु, बता दो तो कैसे भरते हैं। इसमें पानी भर के फिर क्या करते हैं, टू 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 टू। तो ये आपको बिल्कुल ही डार्क दिखेगा, जो छोटे बच्चों को बहुत मजा आएगा ड्राइंग करने में। तो जो ड्राइंग के शौकीन हैं, जिनको ड्राइंग करना अच्छा लगता है छोटे बच्चों को, तो उनके लिए ये मैजिक बुक मंगा सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपके रेंज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और सुगु दिखा तो ऐसे ऐसे करके करके दिखा तो। तो अभी ये 8 मंथ की है, लेकिन हम इसे चाहते हैं कि अभी से ही, हाँ हाँ खा लो खा लो, वो खाने का चीज नहीं है, कितनी बार से खाए हैं तुमको। तो अभी से हम इसको थोड़े से ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा समझे क्या है। तो इसको सबसे पहले ड्राइंग के लिए हमने ये मंगाया है, ताकि ये ड्राइंग करेगी थोड़ी सी ऐसे से करेगी। तो क्या दिखा सुगु, ये क्या है ओ, एक बार और चलाओ ऐसे ऐसे। तो हम इसको पूरा करके दिखाते हैं, ऐसे एक फेंक दी उधर, दूसरा ये थोड़ी इतनी डिस्टर्ब करेगी, अब ये तीसरा चाहिए। छोटे बच्चों का यही है बस। हाँ तो मैं आपको इसको ड्राइंग करके दिखाती हूँ। तो कुछ नहीं करना है छोटे बच्चे के हाथ में, इससे अब कुछ बच्चों को नुकसान भी नहीं होने वाला है छोटे बच्चे को। तो आप इसको आराम से दे दीजिए और वो बैठ के मस्त इस टाइप से ड्राइंग करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। अब इस नवी देखिए कैसे देख रही है सुगु। तो इसके अंदर जो भी पिक्चर्स रहेगा वो आपको डार्क शेप में दिखेगा, जो कि छोटे बच्चों को इस तरह से ड्राइंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ हम भुजिया चढ़ाए हैं। हाउस वाइफ जो होती है ना, मल्टीपल चीजें करती है ना, नहीं पता है आपको। मल्टीपल चीजें करती है, इधर बच्चों को भी देखती है, घर भी देखती है, ऑफिस भी जाती है,
सब देख लेती है, लेकिन जेंट्स से कौन सा काम होता है बताइए तो, कौन सा काम होता है? कोई काम नहीं होता। जेंट्स भी काम करते हैं, मतलब हस्बैंड, जेंट्स नहीं हस्बैंड भी काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, लेकिन पता है आपको एक चीज, लड़कियों के अंदर ना बहुत टैलेंट होता है, आप मानते हैं ना लड़कियां? आपको नहीं लगता कि ऑफिस भी जाती है? हम भी तो ऑफिस जाते हैं, अभी ना छोड़ रखे हैं, ऑफिस भी जाते हैं, घर भी संभालना है, खाना पीना बना के भी रखना है, छोटे बच्चों को भी संभालना है, सब अकेले कर लेती है मैनेज। हमें तो लगता है गर्ल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर हस्बैंड से, ऐसा है क्या? तो भगवान, और गर्ल्स की लाइफ में मतलब कितनी सारी मुसीबतें आती है ना, एक जेंट्स की लाइफ में आती है लेकिन फिर भी झेलती है और अपनी लाइफ को आगे लेके चलती है। हम सही बोले या गलत बोले आप जरूर बताइएगा। इधर हम कद्दू का सब्जी बना रही हूँ और करेला का भुजिया, जो कि ना हमें करेला पसंद है, ना हमें कद्दू पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, फिर भी हम बना रहे हैं। बताइए क्यों बना रहे हैं? जब पसंद ही नहीं है इसलिए बना रहे हैं, ताकि बॉडी में जो भी थोड़ा सा मीठापन वगैरह है ना, उसको थोड़ा सा करेला क्या करेगा ना, काटेगा, समझे? तो करेला भी खाना चाहिए, तो हम ज़बरदस्ती खाएंगे, हम तो खा ही लेते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं खा पाते हैं, तो उनको भी ज़बरदस्ती खिलाएंगे। और कद्दू बहुत ही हेल्दी खाना है, तो आज का खाना ऐसा ही है। एनिवर्सरी का सेकेंड डे है आज, कल हमारा एनिवर्सरी था और आज का नेक्स्ट डे है, तो इसलिए हम सिंपल खाना बनाए, कल बहुत ज़्यादा हैवी खाना हो गया था। इतनी थक गई थी कि मेकअप भी नहीं उतारे हैं हम ऐसे ही है तक 24 आवर का लगाए थे ना, तो थोड़े से ना वो हो गए, डार्क हो गई। मेरे से डार्क हो गई है, देखिए मेरा डार्क सर्कल हो गया है। वैष्णव इतना परेशान, रात के पता है वो 3-4 बजे सोती है लड़की, और रात में पता नहीं इसको कौन सा एनर्जी ड्रिंक पिलाए थे पापा रेस्टोरेंट में, कि सो ही नहीं रही थी, इतना खेलने के मूड में थी, इतना ज़्यादा खेलने के मूड में। अरे वैष्णवी, तुमको रात में क्या हुआ था? हो इतना ज़्यादा खेलने के मूड में थी कि मतलब सोना ही नहीं है, हमको छोड़ दीजिए मम्मी, हमको खेलना है, इधर उधर भागना है, सामान फैलाना है। क्या हुआ था बताओ तुम, एक बार बोल दो सुगु मम्मा। तो सुगु का जब मन होता है ना तो बोलती है मम्मा, बोलती है पापा, चाचू, दादा और फूफू फूफू करती रहती है, बस इतना ही बोल पाती है अभी, अभी इसके मूड पे डिपेंड करता है। छोटे बच्चे तो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमको तो हाँ क्या समझ में आती होगी। सुगु अले चुगा राजा बेटा, एकदम मूडी है मेरी बेटी जो, एक नंबर की मूडी लड़की है, इसका मूड होता है तो उसके हिसाब से काम करती है। अभी से दिख रहा है, कितना ही बुलाते रहिए नो रिस्पॉन्स। सुगु जब इसका मन होगा तब जाके हंसते हुए आएगी, चाहे आपका मूड ऑफ हो फिर भी आएगी और हंसा देगी, इतना एक भी तक मुंह फाड़ती है। सुगु तुम कैसे हंसती है बताना तो, ये अपनी बुआ की तरह हंसती है। सुगु एक बार हंस के बता दो सुगु, ओ मेरा राजा बेटा, राजा बेटा, अरे तुली के हर चीज को टेस्ट करती है। सुगु
सब कुछ टेस्ट करना चाहती है इसको। ये देखिए बस आ गई गोदी में। मम्मा गोदी नहीं लेगी, मम्मा अभी काम कर दी है ना। तुम भी पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, पापा भी पढ़ाई कर लो। पापा आ मेरी आग में पेन बुला दी। बच्चा बड़ा अच्छा है मेरा सुगा, मेरे को मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। सुगु कल पार्टी मनाए थे ना हम लोग, पार्टी मनाए थे ना, देखना तुम्हारे आँख में ना लग जाए। वैष्णवी अब चलने लग गया, थकी हो गई, एक सेकंड में थक गई। हाँ मम्मा की तरह हो गई एकदम से। हाँ थोड़ा सा हाँ इसको दिख गया मम्मा पढ़ाई कर रही है। हाँ वीडियो आई पढ़ने के लिए। पढ़ाकू बेटी बनेगी सुगु, पढ़ाकू बेटी। पापा पढ़ाकू, मम्मी पढ़ाकू, बेटियों पढ़ाकू होनी चाहिए। कहाँ कहाँ मम्मी मोबाइल लेके पढ़ती है तुमको पता है। मतलब उसको हमको गोदी में बैठना है, ये नहीं कि जाओ तो खेलो कूदो, मम्मा काम करेगी थोड़ा। का है बदमाशी कर रही है, का है। हाँ मम। तो हे गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वे के लिए बाय बाय।